नमस्कार साथियों, चली जाने थे आज इस और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। उससे पहले आप भी वीडियोस को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दिल्ली जेल पहुंचा सिसोदिया का बेल ऑर्डर। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बेल ऑर्डर तिहाड़ जेल पहुंच गया है। ऐसे में आपके नेता जेल से बाहर आने में 1 से 1.5 घंटे का समय लग सकता है। जेल प्रशासन ने रिहाई की कागजी कार्रवाई शुरू कर दी है। राज ठाकरे के काफिले पर भीड़ में फेंका गया टमाटर। मुंबई में राज ठाकरे के काफिले पर टमाटर और सुपारी फेंके जाने का मामला सामने आया है। राज ठाकरे शुक्रवार को महाराष्ट्र के बीड जिले में थे, जहां कुछ लोगों ने उनका विरोध प्रदर्शन किया। शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने राज ठाकरे का काफिला भी रोक दिया था। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ की बैठक। संसदीय कार्य और अल्पसंकल्प मामले के मंत्री किरेन रिजिजू ने आज मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला भी मौजूद थे। कांग्रेस अध्यक्ष को नहीं बोलने देना उनका अपमान है, प्रियंका गांधी का बड़ा हमला। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को लोकतंत्र की बुलंद आवाज़ है। उन्हें संसदीय राजनीति का 50 साल लंबा अनुभव है। संसद के भीतर उनको अपमानित करना, उन्हें बोलने न देना, माइक बंद कर देना और सत्ता में बैठे लोगों द्वारा वरिष्ठ महिला सदस्यों को अपमानित करना पूरी तरह से अस्वीकार्य है हमें। हरियाणा के स्कूलों में अब गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद कहना होगा। हरियाणा के स्कूलों में अब गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद कहना अनिवार्य होगा। 15 अगस्त से छात्रों में राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अब छात्र स्कूल में गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद इस्तेमाल करेंगे। स्पीकर के यहाँ चाय बैठक में शामिल हुए पीएम समेत कई बड़े नेता। लोकसभा अनिश्चितकाल तक स्थगित होने के बाद स्पीकर के यहाँ चाय बैठक हुई। इस अनौपचारिक चाय बैठक में पीएम मोदी और राहुल गांधी एक दूसरे का अभिवादन किया। राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह से यूक्रेन की स्थिति के बारे में पूछा, जिस पर रक्षा मंत्री ने कहा है कि भारत नजर रख रहा है। अभी कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी के चुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती। चंडीगढ़ से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी के चुनाव को बीजेपी उम्मीदवार रहे संजय टंडन ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मनीष तिवारी पर चुनाव के दौरान भ्रष्ट आचरण अपमानने का आरोप लगाया गया है। चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर नज़दीकी मुकाबले में कांग्रेस उम्मीदवार मनीष तिवारी 2504 वोटों की मामूली अंतर से बीजेपी उम्मीदवार संजय टंडन से जीत गए थे। आगरा में तेज रफ्तार बस ने 4 स्कूली बच्चे को कुचला, एक की मौत मौके पर। आगरा में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। बस ने सड़क किनारे चल रहे एक स्कूली बच्चे को भी रौंद दिया। इस घटना में एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 3 बच्चे घायल है, अस्पताल में भर्ती कराया गया। नाराज परिजनों ने बस में तोड़फोड़ की और फिर जाम लगा दिया। जयपुर के हयात होटल में बड़ी चोरी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में चोरी का बड़ा मामला सामने आया है, जहां हयात होटल में 1,44,44 लाख के करीबन नकदी व आभूषण की चोरी हुई है। नरेश कुमार गुप्ता की शिकायत के बाद मोहना थाना में रिपोर्ट दर्ज की गई है। बीजेपी के ST/ST सांसदों ने पीएम मोदी से की मुलाकात। बीजेपी के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से आने वाले सांसदों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। ये मुलाकात संसद भवन में हुई है, जिसमें बीजेपी की लोकसभा और राज्यसभा के ST/ST के समाज के करीब 75 सांसद मौजूद थे। पश्चिम बंगाल के मालदा में पटरी से उतरे मालगाड़ी के कई डिब्बे। पश्चिम बंगाल में मालदा के कटिहार डिवीजन के कुमेदपुर यार्ड में एक मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। घटना को देखते हुए दोनों ट्रेनें रद्द की गई, 6 का रूट बदल दिया गया और 4 ट्रेनों को बीच में ही रोक दिया गया। ईडी अधिकारी के खिलाफ PMLA 2002 के तहत केस। ईडी ने अपने ही अधिकारी सहायक निदेशक खिलाफ PMLA 2002 के तहत केस दर्ज किया है। ईडी की ओर से उनके घर पर तलाशी अभियान भी चलाया गया है। यह कार्रवाई CBI की ओर से संदीप सिंह की गिरफ्तारी के बाद हुई। CBI ने कल असिस्टेंट डायरेक्टर संदीप सिंह को लाजपत नगर से गिरफ्तार किया था। जम्मू कश्मीर में नेताओं ने जल्द चुनाव कराने की मांग की। मुख्य चुनाव आयुक्त
जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश के दौरे पर पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि सभी राजनीतिक पार्टियों ने यहां जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव कराने की मांग की है। हम यहां कई राजनीतिक दलों से मिले हैं और उनसे बातचीत भी की है। पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा से की बात, सिल्वर मेडल जीतने पर दी बधाई। पीएम मोदी ने जेवलिन थ्रोर नीरज चोपड़ा से मुलाकात की और बात की। पीएम मोदी ने पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने पर नीरज चोपड़ा को बधाई भी दी है। मनीष सिसोदिया को जमानत मिली, अच्छी बात है, रामदास अठावले का कहना। मनीष सिसोदिया की जमानत पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि जमानत मिली है, अच्छी बात है, लेकिन ईडी की जांच में सरकार का कोई संबंध नहीं है। मनीष सिसोदिया 17 महीने तक जेल में रहे, केजरीवाल को जमानत नहीं मिल रही, इसका मतलब है कि मामले में दम है, ऐसा नहीं है कि जानबूझ कर अन्याय किया गया। जया बच्चन के पास धनखड़ से ज़्यादा अनुभव नहीं कर सकते, अंधाधर प्रियंका का कहना। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि जया बच्चन उपराष्ट्रपति से कई ज़्यादा अनुभव रखती है, सभापति संसद सदस्य का अनादर नहीं कर सकते। वह अपनी टीएमसी सांसद डोला सेन ने कहा है कि वह सेलिब्रिटी के रूप में नहीं थी, वह एक पार्लियामेंट मेंबर के रूप में संसद में मौजूद थी। अल्पसंख्यक समाज को ये अमन से जीने नहीं देना चाहते, वक्फ बिल पर हरिसिमरत का कहना। वक्फ संशोधन बिल पर शिरोमणि अकाली दल सांसद हरिसिमरत कौर बादल ने कहा है कि किसी भी अल्पसंख्यक समाज ने अमन से जीने नहीं दे जाते। जिस तरह से ये स्थानीय पार्टियों को खत्म करने में लगे हैं, वैसे ही अल्पसंख्यकों पर हावी होने में भी लगे हैं। आपको किसी भी धर्म की धार्मिक संस्थाओं में हस्तक्षेप कराने की क्या जरूरत है। मनीष सिसोदिया को जमानत पहले मिलनी चाहिए थी, शशि थरूर का कहना। मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि अच्छी बात है, लेकिन जमानत इससे भी पहले मिलनी चाहिए थी। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में नवंबर तीसरे हफ्ते तक टली सुनवाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में नवंबर तीसरे हफ्ते तक सुनवाई टल गई है। शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे पर फिलहाल अंतरिम रोक जारी रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी। बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग पर राज्य सांसदों ने किया प्रदर्शन। बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग को लेकर राज्य सांसदों ने संसद में विरोध प्रदर्शन किया। 17 महीने का हिसाब कौन देगा, सिसोदिया की जमानत पर संजय सिंह का बड़ा हमला। सिसोदिया की जमानत पर आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि मनीष सिसोदिया के जो 17 महीने बर्बाद हुए हैं, उसका हिसाब कौन देगा। हिमाचल के मंडी के भूकंप के कई झटके महसूस। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.3 मापी गई है। टुडे रिपोर्ट, आरडीएस न्यूज़।